कैसे हो सब लोग। और आज हम फिर एक बार खेलेंगे पोकेमॉन ब्रिलियंट डायमंड के हमारे एडवेंचर को। तो यार पिछले एपिसोड में हमने फैंटीना को हराया था और यहाँ पर हमने बैरी को भी हराया था। तो आज के एपिसोड में तुम में से काफी भाइयों ने मेरे को बोला कि यहाँ से हमें एक लुकारियो या फिर रायलू का जो है अंडा मिलता है और हमें यहाँ पर शायद से एक शाइनी स्टोन भी मिल सकता है जिससे हम अपने टोगेटिक यानी कि हमारे फुएगो को फाइनली बना सकते हैं एक टोगेकिस में। तो हमें अगर टोगेकिस आज के एपिसोड में मिल जाता है, इसीलिए मैंने अपने स्टारैप्टर यानी कि हरिकेन को पीसी बॉक्स में रख दिया। सो ये हमारी टीम है, गोकू, वोल्टसी, डार्क वेडर और फुएगो। तो यार हमारी टीम काफी ज्यादा स्ट्रांग लग रही है एंड लेट्स होप कि हम आज के दिन एक रायलू को भी टीम में ऐड कर पाए। सो लेट्स गो। तुम लोगों ने मेरे को बोला था कि यहाँ से बोट लेनी है ना। ओके, इस बंदे से बात करनी है। हे चाचा, सेल पर लेके चलो हमें। हाँ, आयन आइलैंड। ओके हाँ, हमें आइलैंड में ही जाना था। ऑल राइट, तो यहाँ पर हमारी शिप चल पड़ी है और भाई इसकी एनिमेशन जो है वो काफी कमाल की लग रही है यार, यानी कि ऑसम। हो क्या बात है, यानी कि ये देखने में काफी मजा आ रहा है यार। ऑल राइट, ओ पानी भी कितना रियलिस्टिक लग रहा है यार, यानी कि एकदम रियल टाइप लग रहा है यार। काफी बढ़िया ग्राफिक्स है यार इस गेम के। ऑल राइट, तो हम आ चुके हैं आयन आइलैंड्स की ओर। तो लेट्स सी हमें जाना कहाँ पर है। अच्छा, ऊपर की ओर ज्यादा है भाई। मैं एक्चुअली एक ही हाथ से खेल पा रहा हूँ। तो एक्चुअली क्या हुआ था, आज हम फुटबॉल खेल रहे थे, तुम जानते ही हो ना। ओके, इस घर में तो कोई है नहीं, हम नासिक में आए थे और एक्चुअली जो शादी के लिए हम आए थे वो शादी कल यानी कि संडे के दिन होने वाली है। जब तुम इस वीडियो को देख रहे हो तब संडे ही होगा और आज एक सैटरडे नाइट है। तो आज सैटरडे के दिन कुछ ज़्यादा था नहीं, तो हम सभी भाइयों ने फैसला किया था कि हम भाई पड़ोस में जाकर यानी कि एक यहाँ पर एक फील्ड है तो वहाँ पर हमने सोचा कि फुटबॉल खेला जाए। और भाई फुटबॉल खेलते खेलते मैं ज़रा गिर गया और मैंने अपने एक हाथ को लिटरली डैमेज कर दिया। तो मैं एक ही हाथ से यहाँ पर गेम प्ले रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, विच इज़ काइंड ऑफ यू नो बैड, क्योंकि यार दो हाथ से आदत है ना, अब एक हाथ से पता नहीं ये रिकॉर्ड कैसे हो पाएगी। तो लुक्स लाइक वी आर गोइंग टू हैव अ फर्स्ट बैटल ओवर हियर। ऑल राइट, आज आप बंदे तेरे को दिखाते हैं, सबक सिखाते हैं। ऑल राइट, दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। ओके, ये लड़की है। ओके, पिकनिक का समय। ओके समर, व्हाट आर यू गोइंग टू चूज, स्टारेविया। ऑल राइट, कोई बात नहीं, स्टारेविया इज अ स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन, पर हम इसको हरा सकते हैं। ऑल राइट, तो भाई तुम्हारे फीडबैक्स क्या है, ऐसे कुछ बता दो जिससे हम अपने गेम प्लेस को और इम्प्रूव कर पाए। आई नो तुम लोगों के काफ़ी क्रिटिसिजम्स है कि हमें ऐसे पोकेमॉन्स को ऐड करने चाहिए, वैसे पोकेमॉन्स को ऐड करने चाहिए, बट लेट्स सी। तो मैं यहाँ पर फ्लेम व्हील के लिए जाऊँगा एंड होपफुली दिस डज वेल। ऑल राइट, यहाँ पर फ्लेम व्हील जोरदार लग चुका है बट ही सर्वाइव, फॉर सम रीजन ही सर्वाइव। ओके ऑल राइट, हाँ मैं जानता हूँ अरे पोकेमॉन्स एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा ओवर लेवल्ड हो चुके हैं, पर यार आई कांट हेल्प इट ना, यानी कि तुम लोग भी ये देखते हो ना, इस गेम प्ले को तुम लोग देख रहे हो, इसके अंदर इतने सारे ट्रेनर बैटल्स होते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। और ये एक्सपीरियंस शेयरर की जो इन्होंने ये बना के रखी है ना यहाँ पर, इस वजह से सभी पोकेमॉन्स को वो एक्सपीरियंस डिवाइड होता रहता है, इसलिए सभी लोग देखो कैसे इवॉल्व हो रहे हैं यानी कि लेवल अप हो रहे हैं। तो यार इट्स समथिंग दैट आई कांट कंट्रोल यार, दैट्स द प्रॉब्लम, हमारे पोकेमॉन्स यहाँ पर इतने ओवर लेवल हो रहे हैं। और ये चेरिम को भेज रहा है, अब चेरिम कौन सा पोकेमॉन है, आई गेस से ग्रास टाइप पोकेमॉन है। भाई ये है पोकेमॉन। ओके, ये चेरी भी का सेकंड स्टेज आई गेस। ऑल राइट, तो इसको भी फ्लेम व्हील मारते हैं, होपफुली इस पर सुपर इफेक्टिव होना चाहिए क्योंकि ये ग्रास टाइप है, फिर भी बच गया। ऑल राइट, भाई ये क्या है। ओके, ये ग्रोथ कर रहा है, शायद से इसकी स्पेशल अटैक और डिफेंस यहाँ पर बढ़ जाएगी आई गेस। चेरिम्स अटैक एंड स्पेशल अटैक, अच्छा स्पेशल अटैक और अटैक बढ़ती है। ओके, मैं एक और यहाँ पर इसके लिए जाऊँगा, फ्लेम व्हील के लिए जाऊँगा एंड दिस विल डू द जॉब। और ये चेरिम का बच्चा मर चुका है। ओके, तो हमने इस ट्रेनर को यहाँ फाइनली हरा दिया, विच इज़ क्रेजी क्योंकि यार ये लड़की भले ही लड़की है पर शी इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग। ऑल राइट, हमने यहाँ समर को हरा दिया। अब आई डोंट नो यहाँ पर लुकारियो कहाँ पर मिलता है, आई गेस हमें यहाँ से जाना होगा। ओके, ऊपर जाते हैं। ओके, इसे फोड़ नहीं सकते, इसके लिए हमें स्ट्रेंथ का एचएम चाहिए जो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अभी तक है नहीं। लुक्स लाइक वी हैव टू गो डाउन, चलो नीचे जाकर देखते हैं। और यहाँ से हमें एक्चुअली कहाँ जाना है, हम आए थे लेफ्ट से, तो हमें क्या ऐसे जाना है कि ऐसे जाना है, लेट्स गो हियर। ओके, तो भाई यहाँ पर तो कुछ है नहीं एंड यहाँ पर ट्रेनर्स काफ़ी ज़्यादा थे एंड लेट्स गो वो हियर एंड सी। ओ भाई ये कौन है, तुम
वो ओके, तो तुम सेन हो, मैं राइली हूँ, मैं एक ट्रेनर हूँ। हाँ क्यों है ना, तुम्हें अजीब नहीं लग रहा कि मैं यहाँ पर ट्रेनिंग क्यों कर रहा हूँ? क्या तुम मेरे साथ टीम अप करोगे, क्योंकि यहाँ की वाइल्ड पोकेमोन्स काफी ज्यादा अजीब और खतरनाक है। ओके, हम राइली के साथ यहाँ पर जाने वाले हैं। भाई ये राइली का बच्चा, आई गेस हमने इसे कहीं तो देखा है। इफ योर पोकेमोन गेट हर्ट आई विल हील देम अप। ऑलराइट, ये इटर्ना फॉरेस्ट जैसा कुछ होने वाला है यहाँ पर। इटर्ना फॉरेस्ट में वो लड़की हमारे पोकेमोन्स को हील कर रही थी और यहाँ पर राइली हमारे पोकेमोन्स को हील करेगा। ओके अरे हाँ राइली, ये तो वो मूवी में था ना। हाँ भाई, ये वो उस मूवी में था, पोकेमोन लुकारियो की तूफानी शक्ति वाली मूवी में था। ऑलराइट, हम उसके साथ टीम अप कर रहे हैं। ओके, दिस इज अमेजिंग। भाई ये कैरेक्टर ना बहुत ही खतरनाक है, यानी कि ओके इसकी हैट देखो यार, इसकी डिजाइन देखो इसकी, ओहो ये बंदा बहुत ही कमाल का है। आई होप कि हम इसके अटायर को बोरो कर पाए बाद में, पर यार इस बंदे को इन्होंने इतनी लेट क्यों रखा यार? अगर आपने वो मूवी देखी ना लुकारियो की तूफानी शक्ति, यू गाइस शुड नो ये बंदा बहुत ही ऑसम है। ओके, आई एम गोइंग फॉर अ ग्रास नॉट ओवर हियर। मेरे ख्याल से ये ग्रेवलर पर सुपर इफेक्टिव होने वाला है, और यहाँ पर ग्रास नॉट हमने कर दिया जोरदार। ओके मर गया, क्या बात है क्या बात है। ऑल राइट, इन्फर्निप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यार, और ये ग्रास नॉट अच्छा हुआ एक ग्रास टाइप मूव भी सीख लेता है इन्फर्निप यहाँ पर। और यहाँ पर गोकू लेवल 40 का हो चुका है, विच इज ग्रेट। और ये मेटल क्लॉक कर रहा है जूबैट पे, और जूबैट ने अटैक को डॉज कर लिया। ओ भाई दिस इज बैड। और यहाँ पर लुकारियो कंफ्यूज हो चुका है, विच इज अगेन बैड फॉर राइली, क्योंकि यार यहाँ पर मचोक आ चुका है। ऑल राइट, मचोक भाई ये काफी ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। ऑल राइट, यहाँ पर मैं क्या करूँ, दिस नथिंग सुपर इफेक्टिव, तो आई जस्ट गो फॉर द क्लोज कॉम्बैक्ट एंड किल इट। ऑल राइट, क्लोज कॉम्बैक्ट, और ये मचोक मर गया, क्या बात है क्या बात है। ओके, पर हमारे भी डैमेज होने वाली है, क्योंकि हमारी डिफेंस गिर गई है और हमारी स्पेशल डिफेंस गिर गई। भाई एक हाथ से खेलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, भाई दूसरा हाथ तो एक्चुअली मतलब इतना भी लगा नहीं है, पर वहाँ पर मैंने ज़रा बैंडेज एक्सेट्रा लगाया है, क्योंकि वो थोड़ा छील गया है, सो हाँ थोड़ा वो जलन दे रहा है, तो इस वजह से थोड़ा वो यूज़ ना करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। यार आज के दिन तो मुझे फुटबॉल खेलनी नहीं चाहिए थी यार, कल शादी थी, पर फिर भी यार ठीक है। ओके, यहाँ पर फ्लेम व्हील करते हैं। भाई तुम लोग को ये गेम प्ले वीडियोज़ अच्छी लग रही है ना, यानी कि नहीं लग रही तो मेरे को बोल दो, पर अच्छी लग रही है तो भी बोल दो, यानी कि दोनों तरफ के कमेंट्स आने चाहिए। जिनको अच्छी नहीं लगती वो लिख देना क्यों अच्छी नहीं लगती, और जिनको अच्छी लगती है वो लिख देना कि क्यों अच्छी लगती है, तो यार सुनने में काफ़ी मज़ा आएगा। ओके, अब इसका और एक पोकेमोन बचा है। अरे पर किसको मार रहा है मेटल क्लो भाई, क्या पागल हो गया क्या? अरे राइली, ए राइली क्या कर रहा है वहाँ पर? उस बंदे ने पोकेमोन भेजा नहीं तो किसको मेटल क्लो मार रहा है? ओके, यहाँ पर गोल्ड बैट इज काइंड ऑफ अ डेंजरस पोकेमोन। हम यहाँ पर फ्लेम व्हील के लिए जाएंगे, आई होप। ओके बच गया यार, कम ऑन राइली, यू कैन डू दिस। ओके मेटल क्लॉ, चल मार मेटल क्लॉ मार। ऑल राइट, यहाँ पर मार दिया और गोल्ड बैट मर गया, क्या बात है। ओके, यहाँ पर गोकू शायद से लेवल अप हो चुका है। अरे यार इसका ऑनिक्स बचा है। ओके डैम, दैट्स अ ह्यूज पोकेमोन बॉयस। अबे और तीन पोकेमोन बचे हैं यार यहाँ पर। ओके, ग्रास नॉट के लिए जाते एक और एक, होपफुली एक ही डैमेज में ये मर जाना चाहिए। ओके ग्रास नॉट फटका पड़ा, मर गया, क्या बात है भाई। इमेजिन करो अगर ऑनिक्स जैसा पोकेमोन रियल लाइफ में होता, यानी कि इतना बड़ा पत्थर का सांप तुम्हारे सामने आ जाता, तो भाई मैं तो पहले ही भाग जाता वहां से। ओके, हमने इन दोनों मोटू रामों को हरा दिया। ऑल राइट, बहुत टाइम वेस्ट कर दिया यार इन्होंने यहाँ पर। नो ओके, अब कहाँ जाना है हमको? लेट्स गो ओवर हियर। ओके, इन बंदों के साथ लिया शायद से हमारी फाइट होने वाली है, लेट्स बैटल देम आउट रियली क्विक। ओके आजा, बंदा और बंदी यहाँ पर गुफा में क्या कर रहे हैं भाई? आयन आइलैंड्स, इसका नाम आयन आइलैंड है, पर यहाँ पर मैंने एक भी मेटल टाइप पोकेमोन देखा नहीं, यानी कि स्टील टाइप पोकेमोन देखा नहीं, विच इज काइंड ऑफ वियर्ड, क्योंकि यार अगर आप एक जगह का नाम ही आयन आइलैंड रख रहे हो लिटरली, तो भाई कम से कम वहाँ पर एक स्टील टाइप पोकेमोन्स तो होने चाहिए, पर यहाँ पर आप फाइटिंग टाइप और ग्रास टाइप, सॉरी ये रॉक टाइप पोकेमोन ज़्यादा देख पा रहे हो। यहाँ पर मेडी चार्म जो है वो काफ़ी डेंजरस हो सकता है, सो लेट्स गो विथ अ फ्लेम व्हील ऑन दिस मेडी चार्म। होपफुली डैमेज ज़्यादा हो जाए एंड शी डाइज, बट नहीं, बच गई। ओह दिस इज रियली बैड। ओके मेटल क्लॉ से मर गया, क्या बात है क्या बात है, मेडी चार्म मर गया। ऑलराइट, एक खतरे की घड़ी यहाँ पर थम गई।
क्योंकि यार मेडिचाम एक साइकिक टाइप पोकेमॉन भी है ना, अगर वो हम पर मार देता तो यार डैमेज हो जाता। ओके ग्रोगन ने यहाँ पर डैमेज कर दिया, कोई बात नहीं। अब इसका अच्छा इनके पास सिर्फ एक ही पोकेमॉन है। ओके तो मैं क्या करूँ, ग्रास नॉट यहाँ पर नॉट वेरी इफेक्टिव आ रहा है, तो फ्लेम व्हील करके देखते हैं, होपफुली क्रोगन को डैमेज हो जाए। ओके मर गया, क्या बात है यार, गोकू काफ़ी स्ट्रांग है यार हमारा, एक ही डैमेज में मार देता है, एक ही मूव में मार देता है लिटरली। और यहाँ पर हमने इस छिछोरे पंटरो को हरा दिया। भाई ये तो कराटे के ड्रेस में ही घूमता रहता है यार। ओके फाइन बॉयज, अब जाना कहाँ पर है, लेट्स टेक दैट आइटम ओवर देयर। यहाँ पर कुछ तो, अरे यार ये गेम की ये प्रॉब्लम है, आप जब ऐसे एरियाज में आते हो ना काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट स्लो हो जाती है। हमें एक मैग्नेट मिल गया। ओके मैग्नेट से शायद से इलेक्ट्रिक टाइप या स्टील टाइप मूव्स स्ट्रांग हो जाते हैं। ओके रिपल्स यूज़ करेंगे क्योंकि इसने बोला था ना हमको कि यहाँ के पोकेमॉन्स काफ़ी ज़्यादा रेकलेस है, दे आर क्वाइट स्ट्रांग, तो यहाँ से हम जा नहीं सकते। ओके लेट्स गो डाउन ओवर हियर एंड यहाँ से शायद से जाना होगा। आई डोंट रियली नो कि हमें जाना कहाँ पर है, आई गेस हमको यहाँ से इनसे बैटल करनी होगी एंड देन वी कैन मूव फॉरवर्ड, या फिर हमको यहाँ से जाना, आई डोंट रियली नो। सो लेट्स सी, ये दोनों एस ट्रेनर्स है। ओके एस ट्रेनर्स आर गोइंग टू बी अ टफ चैलेंज, तो शायद से यहीं से जाना होगा, लेट्स बैटल देम आउट। ओके चलो, ओके यहाँ पर बग हो रही है एंड वी आर गोइंग टू बैटल दी एस ट्रेनर्स। ऑल राइट एस ट्रेनर्स एक्चुअली बाकी ट्रेनरों से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, सो दिस इज गोइंग टू बी अ चैलेंजिंग बैटल ओवर हियर। ओके पेलिपर और पोनीटा, ओके ये स्टार्टिंग में ही चैलेंजिंग हो गया, दिस इज क्वाइट बैड फॉर अस। ओके मेरे ख्याल से हमें इलेक्ट्रिक वायर को यहाँ पर चुनना होगा क्योंकि मैं पेलिपर पर भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि वो 4 times ज़्यादा सुपर इफेक्टिव है, यानी कि एक तो उसके पास वाटर टाइप मूव्स भी हो सकते हैं और भाई उसके पास फ्लाइंग टाइप मूव्स तो एक्चुअली होंगे ही, तो भाई आई एम नॉट गोइंग टू रिस्क दैट। और यहाँ पर फोर्स बम इसने पोनीटा को मारा और पोनीटा चलो मर गया, एक काम हमारा आसान कर दिया राइली भाई ने। भाई अगर आपने लुकारियो की तूफानी शक्ति वाली मूवी देखी नहीं है तो भाई तुम लोग देखो वो मूवी, वो काफ़ी अच्छी है, उस मूवी में तुमको राइली के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ओके और हॉन्टर यहाँ पर आ चुका है, तो हमें यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले तो भाई इस पेलिपर के बच्चे को हरा देता हूँ क्योंकि पेलिपर कैन बी अनोइंग समटाइम और शैडो पंच लग चुका है, कोई बात नहीं, वी कैन हैंडल दैट रियली वेल। और यहाँ पर पेलिपर को पड़ चुकी है जोरदार थंडर पंच एंड आई होप ही इज डेड, या मर गया, क्या बात है। ऑल राइट हमने इनके एक दो पोकेमॉन्स को हरा दिया, तो अब इस बंदे के पास और दो पोकेमॉन्स होंगे शायद से, और फोर्स पम हॉन्टर को लगता नहीं है। राइली भाई क्या कौन सा नशा करके आते हो यार तुम, भाई तुम लिटरली एक मिस्टिक ट्रेनर हो और भाई ऐसा फालतूगिरी नहीं करना चाहिए यार। ओके पहले तो सूडो वूडो को मैं मार दूंगा, हॉन्टर को तो बाद में निपटा लूंगा मैं। ओके ये शैडो पंच भाई मारते जा रहा है यार। ओके कोई बात नहीं, लोके किसको सूडो वूडो को मारेंगे और बच गया, सुपर इफेक्टिव होने के बावजूद बच गया। हाँ चलो राइली ऐसे मारो ना, ऐसे मारो भाई, ये कैसा मूव मार रहे थे तुम। ओके रॉक स्लाइड ने ज़्यादा कुछ किया नहीं हमको। ओके क्रिटिकल हिट ऑन वोल्ट सी, कोई बात नहीं, हम एक और डिस्चार्ज मारेंगे तो शायद दोनों को लगेगा, पर पहले तो सूडो वूडो को यहाँ पर हम एक और ओके शैडो पंच हमें नहीं लगा। ओके लुकारियो को मारा, ठीक है, और एक लोग एक और सूडो वूडो भी मर गया, क्या बात है भाई। राइली अगर पहले ही मेटल क्लॉक कर देता तो भाई अब तक ये हॉन्टर भी मर जाता और वोल्ट सी लेवल 41 का हो चुका है विच इज़ गुड, पर भाई इट्स अरे भाई राइली क्या कर रहा है, क्या ये राइली का क्या चल रहा है ना, मुझे सीन समझ में नहीं आ रहा भाई, क्या हो रहा है यार राइली तेरे को। ओके भाई यहाँ पर डिस्चार्ज पड़ चुका है और हॉन्टर मर चुका है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ऑल राइट वी टुक डाउन वन ऑफ हिज पोकेमॉन्स ओवर हियर। ओके अबे राइली पागल हो चुका है यार, ये बंदा पागल हो चुका है, जब पोकेमॉन होता है उस पर अलग टाइप का मूव कर देता है जो उस पोकेमॉन को सुपर इफेक्टिव लगने नहीं वाला, सुपर इफेक्टिव शोरो एक्चुअली गोस्ट टाइप को फाइटिंग टाइप लगता ही नहीं, और ये भाई तब उसको फाइटिंग टाइप मूव मारता है और जब सामने कोई पोकेमॉन होता नहीं है तब भाई अटैक करता है, यानी कि भाई क्या चल रहा है यार राइली तेरा, नो वंडर इसको हेल्प की ज़रूरत है हमसे, अगर हम ना होते तो भाई इस बेचारे का यहाँ पर केव में क्या होता। भाई इसके पास लुकारियो तो है पर इसके पास दिमाग नहीं है एक्चुअल में, तो यार अगर हम यहाँ पर नहीं आते ना तो भाई ये पिट जाता, लिटरली पिट पिट के मर जाता यहाँ पर।
पर कम से कम हमने इन एस ट्रेनर्स को तो हरा दिया. ऑल राइट, वी आर लुकिंग गुड ओवर हियर. ओके, अब शायद से यहाँ से जाना है. एंड दिस इज द गैलेक्टिक गाइज. ऑल राइट, ओके, मैं देख सकता हूँ तुम इसके लिए जिम्मेदार हो. तुम्हारे पोकेमॉन्स काफी ज्यादा बुरे हैं, पर मुझे इससे बात का कोई फर्क नहीं पड़ता. तुम्हारे पास वो होगा जो मैं लाने वाला हूँ. ओके, एनी ट्रबल इन टू माइंड? ओके, हम टीम गैलेक्टिक के बंदे हैं, हम सभी पोकेमॉन्स को चोरी करते हैं. क्यों, ये सही है ना पार्टनर? हाँ, तुम सही कह रहे हो दोस्त, हम यही करने वाले हैं. हम सारे पोकेमॉन्स को किडनैप करेंगे, सबसे पहले तुम्हारे और पूरे आइलैंडर आइलैंड्स को पूरे रस्ट कर देंगे. ऑल राइट, टू शेयर इन ऑल द जॉयज एंड ऑल द सॉरोस. ओके, दिस इज हाउ ऑल द ट्रेनर्स पोकेमॉन लिव इन सिनो. आई वोंट अलाउ एनीवन टू डिफाई दैट कोड ऑफ एथिक्स. कम ऑन सन, इन दोनों को मजा आ चुका है. ऑल राइट भाई, चलो भाई. राइली भाई, आप ना अभी दिमाग से खेलो भाई, ऐसे कोई फालतू मूव मत करो भाई. इनके पास 6 पोकेमॉन्स है. राइली भाई, आपको संभालना होगा, सब आपके ऊपर है भाई. यहाँ पर कोई गलती मत करियो भाई. लास्ट टाइम आपने बहुत बेवकूफ़ी की थी, पर राइली भाई इस बार ऐसा कुछ करो मत. पर भाई एक तुम देख सकते हो, लुकारियो और इन्फर्नेप की जोड़ी जो है वो काफ़ी कमाल की लग रही है यार. और मैं यहाँ पर पावर अप पंच करूँगा और थोड़ा सेटअप कर लूँगा जिससे आगे हमें कोई प्रॉब्लम्स ना आए. एंड यहाँ पर पावर अप पंच से ग्लैमियाओ एक ही फटके में मर गया कोई. चलो अच्छी बात है, कम से कम ये मर भी गया और हम सेटअप भी हो पा रहे हैं, विच इज़ रियली गुड. ऑल राइट, ग्लैमियाओ यहाँ पर मर चुका है. और राइली भाई इस बार थोड़ा आराम से खेलना यार, आई एम काइंड ऑफ होपिंग फॉर यू. बट आई गेस राइली का दिमाग कभी भी नहीं सुधरा. ओके, पैरालाइज कर दिया, कम से कम वो तो कर लिया भाई. राइली भाई वेरी गुड, वेरी गुड राइली भाई. ओके, हमको ही पॉइजन करो यार तुम, हमको ही पॉइजन करो. ओके, क्रोगंक यहाँ पर आ चुका है. दिस इज काइंड ऑफ बैड फॉर अस. बट हम यहाँ पर फ्लेम व्हील के लिए जाएंगे. दोनों वैसे डेंजरस पोकेमॉन्स है, दोनों पॉइजन कर सकते हैं. और क्रोगंग ने सकर पंच लुकारियो को मारा. ऑल राइट, हम फ्लेम व्हील मारेंगे इस क्रोगंग के बच्चे को. और ये मर गया, क्या बात है, क्या बात है. आई होप कि ये कोई नॉर्मल पोकेमॉन भेजे यार, फिर हम और एक सेटअप करके अटैक के स्टेज को एक और यू नो स्टेज से बढ़ा सकते हैं. और फाइनली राइली बाई बाई अक्कल आ गई, उन्होंने मेटल क्लॉक किया एक फ्लैंक टाइप पोकेमॉन पर जिससे वो मर गया. राइली भाई ऐसे खेला करो, ऐसे ही मैच जीतते हैं, आप पागलों की तरह खेल रहे क्यों हो. ओके यार भाई, इनके पास कितने पॉइजन टाइप पोकेमॉन है यार, कम ऑन यार गैलेक्टिक, कभी तो दूसरे टाइप पोकेमॉन्स लाओ. ओके, एक और फ्लेम व्हील करेंगे स्टंकी पर. एंड आई होप स्टंकी मर जाए, एंड ही इज डेड. ऑलराइट, स्टंकी का आफ्टर मैथ लग चुका है. ओके, गोकू को ज़्यादा कुछ होगा नहीं, क्योंकि यार गोकू काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, ऐसे थोड़िया मरने वाला है वो. ऑल राइट, लुकारियो ने यहाँ पर फिर एक बार मेटल क्लॉक किया. वेरी गुड राइली भाई, वेरी गुड, यही तो मैं चाहता हूँ. आप ऐसे खेलो, ऐसे खेलो. देखो भाई, मिस्टिक पोकेमॉन ट्रेनर हो आप, ऐसे खेलोगे तभी आपका नाम जस्टिफाई हो पाएगा, वरना यार यहाँ पर नाम खराब होगा यार आपका. ये क्या कर रहे हो आप. ऑल राइट, यहाँ पर फ्लेम व्हील करेंगे गोल बाटो पर. एंड आई होप गोल बैट मर जाए, क्योंकि हमारी अटैक स्टेज अभी भी 1 पर है. एंड ही सर्वाइव फॉर सम रीजन. एंड राइली ने फिर एक बार मेटल क्लॉक किया. वेरी गुड, शाबाश राइली, अब हमारे साथ रह रहा है ना, इसी वजह से उसमें अक्कल आ रही है, वरना भाई वो पागलों की तरह खेलता है. ऑल राइट, हमने इन नमूनों को यहाँ पर हरा दिया फाइनली. ओके बॉयज, पैक योर बैग्स एंड गेट लॉस्ट, क्योंकि हमने आयन आइलैंड्स को बचा लिया. रुको रुको रुको, मैंने कॉम्बिनेशंस के बारे में बात की थी, तुम और तुम्हारे पोकेमॉन भी ना. हाँ, चलो इसे हरा दे पार्टनर. क्या फिर एक बार तुमने ये कहा भाई, हमें पता भी नहीं टीम गैलेक्टिक का प्लान भी क्या है. अरे क्या पागल हो गए यार. थैंक यू, तुमने मेरी बहुत ज्यादा मदद की है. लिसन, मेरे पास एक पोकेमॉन का अंडा है यहाँ पर, क्या तुम ये अपने साथ ले जाना चाहोगे. ऑफ कोर्स राइली भाई, जरूर, आपके पास अंडा था तो पहले ही दे देते ना. थैंक यू, मैं चाहता हूँ कि तुम इस पोकेमॉन को दुनिया दिखाओ जब ये हैश हो जाए. ऑल राइट, हमें एक नया पोकेमॉन अंडा मिल चुका है. तुम्हारे साथ वक्त गुजारना काफ़ी ज़्यादा इन्जॉयबल था. हमारा भी इन्जॉयबल था यार, आपको अलग अलग चीज़ें सिखाना. मैं अपने स्किल्स को दूसरे जगहों पर टेस्ट करना चाहता हूँ, फिर कभी मिलते हैं. ओके राइली भाई, टेक केयर ऑन द वे आउट. ओके राइली भाई, बाय बाय. बाय बाय भाई, आप मेरी बात छोड़ो, आप अपना अपने अपने आप पर ध्यान दो भाई. आप क्या करते रहते हो, आपको आइडिया भी है यार. अपना आप जरा यू नो ढंग से बैटल किया करो एंड यू विल बी गुड. ओके भाई, ये क्या है, यहाँ से हमें आगे जाना है भाई. शाइनी स्टोन कहाँ पर है यार, शाइनी स्टोन शायद से यही कहीं होना चाहिए था.
बट हमें मिला नहीं। ओके मिल गया शायद से यही होना चाहिए। यूज अनदर एप्पल, यस ऑफ कोर्स वी विल यूज अनदर एप्पल एंड आई होप ये शाइनी स्टोन हो। आई रियली होप ये शाइनी स्टोन हो। यस समय मिल गया, शाइनी स्टोन फाइनली मिल गया भाई, फाइनली मिल गया। इसके वजह से क्या होगा आपको पता है? यानी कि हमारा जो ये फ्यूएगो है भाई, फ्यूएगो या फिर फाइनली इवॉल्व हो सकता है, विच इज रियली क्रेजी। यानी कि फाइनली यार मैं टोगे किसको टीम में रखना तो चाहता था बट आई कांट फाइंड दी शाइनी स्टोन। ओके मिल गया, compatible with the Fuego. Which Pokemon will you use it on? We are going to use it on Fuego. Let's go. Kya? Achha, main ande par use kar raha hun. Okay, sorry. Fuego, come on. This is awesome. What? Fuego is evolving? Yes, boys. Yes, finally. Hamara Pokemon yahan par evolve ho raha hai. Yani ki main kab se is Pokemon ko literally evolve karne ki koshish kar raha hun. और अब जाके ये बन चुका है एक टोगे के। ऑल राइट यार, थैंक यू भाई, तुम लोग ने मेरे को बताया, इस वजह से ही हमें ये पता चला, वरना भाई पता ही नहीं चलता। ओके तो सभी को थैंक यू जिन्होंने आइलैंड, ये आयन आइलैंड्स के बारे में बताया हमको, वरना भाई लिटरली पता नहीं चलता कि क्या करना है यहाँ पर। और ये फेरी और फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है ना, तो मैं क्या डिलीट करूँ? इसकी स्पेशल अटैक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, अटैक से भाई एंशिएंट पावर इज काइंड ऑफ अ गुड मूव अगर आपके सामने कोई पोकेमॉन्स आ जाए। पर आई गेस एयर स्लैश हम रखेंगे यहाँ पर। यौन तो मैं डिलीट नहीं करूँगा क्योंकि यार अंडरग्राउंड टनल्स में मैं फ्यूएगो को काफ़ी बार लेके जाता हूँ और वहाँ पर यौन का टीएम जो है, सॉरी मूव जो है, वो काफ़ी काम आता है। और भाई फाइनली टोगे किस समय मिल चुका है यार, इसके लिए मैं इंतजार कर रहा था भाई। क्या कमाल का दिख रहा है यार ये पोकेमॉन, हाश फाइनली ये मिल गया। एंड लेट्स हेड आउट। मेरे ख्याल से अब यहाँ पर और कुछ है नहीं, और कुछ है तो मेरे को बता देना, आई डोंट रियली नो और कुछ यहाँ पर मिलता है या नहीं। एंड आई गेस यहाँ का पूरा एडवेंचर खत्म हो जाता है। ओके क्या बात है यार, काफ़ी मज़ा आया। ओके भाई, अब हम चलते हैं फिर एक बार सिटी की ओर। ओके, क्या बात है। अब हमें बस एग को हैच करना है, वो पता नहीं कब होगा। अगर हमारे पास यहाँ पर फ्लेम बॉडी वाला कोई पोकेमॉन होता ना तो काफ़ी मज़ा आ जाता। सो आई गेस पहले तो हम पोकेमॉन सेंटर में जाएंगे और उसके बाद हम जिम मुकाबला अगले एपिसोड में करेंगे, क्योंकि यार ये स्टील टाइप जिम मुकाबला है। सो यहाँ पर हमारा इन्फर्नेब काफ़ी ज़्यादा काम का आने वाला है गेस, क्योंकि यार ऑब्वियसली इन्फर्नेब एक फ्लाइंग और फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है, तो अभी रिपल की ज़रूरत नहीं है। पर भाई पोकेमॉन सेंटर कहाँ पर है भाई? पोकेमॉन सेंटर ढूंढना है हमको। भाई पोकेमॉन सेंटर कहाँ पर गया? अभी यहीं पर तो था। अभी ये क्या हो गया? पोकेमॉन सेंटर कहाँ पर गायब हो गया? अच्छा मैं गलत जगह पे, अच्छा मुझे ब्रिज क्रॉस करना था, सॉरी फॉर दैट। कभी कभी हो जाता है। बट फाइनली यार हमें एक टोगे किस मिल चुका है और हमें एक रायलू का अंडा मिल चुका है। अब तुम लोग पे, क्या हमें ट्रायलू को अपने टीम में ऐड करना चाहिए? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है, तो इट्स ऑल अप टू यू कि हमें रायलू को ऐड करना चाहिए या फिर रायलू की जगह कोई और पोकेमॉन को ऐड करना चाहिए। जैसे कि मेरे पास, मैं पीसी दिखा देता हूँ आपको ज़रा, तो पीसी में हमारे पास देखो एक, हम चाहे तो हम कैल्डर नाम के एक फ्लोट सेल को ऐड कर सकते हैं, या पर बाद में हम ग्लाइगर को तो ऐड कर सकते हैं, पर यार उसके लिए रेजर फैंग चाहिए ग्लाइस्कोर बनाने के लिए जो पोस्ट गेम में अवेलेबल है, तो इस पोकेमॉन को छोड़ देते हैं। तो हमारा एक ऑप्शन है, हम कैल्डर को ऐड कर सकते हैं। दूसरा है ये मैक्स नाम के, इसको ऐड कर सकते हैं, क्या नाम है इसका, हॉन्डूम को ऐड कर सकते हैं। फिर बाद में हम गोलम को, बाद में नाइट एंगल नाम के इस एब्जॉल को ऐड कर सकते हैं। फिर बाद में कोकी नाम के इस एम्बी बॉम्ब को ऐड कर सकते हैं जो हमें मिला था। तो वी हैव क्वाइट सम ऑप्शंस। मैनफी को ऐड कर सकते हैं, साइतर चाहिए तो साइतर को ऐड कर सकते हैं। सो हाँ, हमारे पास ऑप्शंस तो है, पर अब तुम पर है कि हमें रायलू के साथ ही जाना चाहिए या फिर कोई और पोकेमॉन ले जाना चाहिए, क्योंकि वो जो आखिरी स्पॉट है वो तो भाई गिब्बल के लिए है और गिब्बल तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो यार तुम मुझे कॉमेंट्स में बता देना कि क्या हमें रायलू के साथ जाना चाहिए या फिर कोई और पोकेमॉन चुनना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट। तो यार आज के एपिसोड को यहीं पर खत्म करते हैं, तब तक के लिए बस बाय, टाटा नमस्ते सलाम एंड कीप वॉचिंग ज़ेनडाइनो वाई योर गेमिंग चैनल। बाय यार।